Reaction TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं नबी मोहम्मद औटी बोले तो एकदम गौटी। हाँ तो मेरे भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों साथियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। आप सभी इन्वेस्टर भाइयों बहनों की बड़े बुजुर्गों की दुआ है और सभी की नमाजों में जिसने भी जो दुआएं किए हैं आज ये उनका असर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द और अच्छी खबर सुनने मिलेगी और बहुत जल्द आपा हमारे बीच होंगी। आज जो हमें सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सुनने मिली आज अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी बहुत बड़ी खुशी मिली है। और आपने ये भी देखा सभी लोगों ने हैदराबाद का जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जजमेंट भी आज सुप्रीम कोर्ट में काम आया और आज वहाँ पर हीरा गोल्ड के वकीलों के तरफ से जो आर्गुमेंट हुई या उनके तरफ से पेश किया गया और पूरे महाराष्ट्र के लिए जहाँ जहाँ भी केस हुए पूरे इंडिया में तेलंगाना को छोड़कर, आज वो भी सुनने मिला हमें तेलंगाना को छोड़कर हैदराबाद को छोड़कर सिर्फ बाकी सभी जगहों पर स्टे भी लिया गया है, वहाँ पर केस नहीं होंगे और इंशाल्लाह आपा को जल्दी आने का मौका भी मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही पक्ष में पूरी कार्रवाई हुई, हमारे तरफ ही पूरी कार्रवाई सुनने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरफ से ही सुनने को जज ने मौका लिया, पूरा मौका दिया उन्होंने और माशाल्लाह वहाँ पर हमें एक जीत की सीढ़ी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। और हमें इसी तरह से और सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, ना कि इन वायरस की और छिले हुए आलू की, जो हैदराबाद का छिला हुआ आलू जिसको हम शाहबाज अहमद ख़ान के नाम से जाते हैं, शैतान खान है वो जलील इंसान जो आज बेचारे जितने भी मासूम हैं उन्हें गुमराह करके उन्हें FIR करवाया, उन्हें आज फंसा दिया बुरी तरह से, और भी लोगों को फंसाने की कोशिश ये वायरस और ये शैतान दोनों कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने इनकी बातों में आए नहीं और मैं कहता हूँ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उगाही के धंधे कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, फंसाने के काम कर रहे हैं। ये लोग पहले दिन से जिसको भी कंप्लेंट करवाए हैं FIR करवाए हैं, एक दिन का झांसा देकर पैसे दिलाने की झांसा देकर एक दिन से तीन दिन, एक महीना, कभी चार महीना, कभी तीन महीना, कभी छः महीना, ऐसे करते करते बेचारे ये मासूम लोगों को इन्होंने, इन हराम खोरों ने बेचारे मासूमों को फंसा दिए। और ये बेचारे जितने भी कंप्लेंटर हैं जो हमारे ही साथी हैं, हमारे ही घर के हैं, हम सब एक हैं, लेकिन इन्होंने इन शैतानों की बातों में आकर अपने आप पर कुलाड़ी चला लिया है, अपने आप पर मुसीबत मोल लिया है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे हमारे हीरा गोल्ड कंपनी के साथी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, ऐसे ही और थोड़ा सब्र करें, अपने आप को संभाल कर रखें और जो लीगल और सही एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, जो सही न्यूज़ देता है जगह से, उनकी वीडियो पर भरोसा करें और उन पर भरोसा करें, अल्लाह पे भरोसा करें और इन शैतानों के पीछे इनकी शैतानों की बातों पे ध्यान ना दें। मेरे भाइयों आज हम लोग जितने लोग भी हैं हम लोग खड़े हैं आपा के साथ में, अगर आपा को बाहर नहीं आना होता तो क्या आपा सुप्रीम कोर्ट जाते? आपा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते? नहीं डालते, क्योंकि उन्हें बाहर आना है, पैसे देना है, उनका उनकी नीयत है देने की, तभी जाके ये आपा सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो दौड़ रहे हैं। क्यों? सबको पैसा देना है, कंपनी वापस से रनिंग में लाना है, कंपनी को वापस से स्टार्ट करना है,
لیکن یہ شیطان کی مردود کی اولاد جتنے بھی ہیں یہ حرام خور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو پیسہ دلانا ان کی منشا صرف ایک ہی ہے کہ اس کیس کو لمبے لمبا اور زیادہ طول دینا ان کی یہی منشا ہے اگر دینے کی منشا ہوتی تو یہ لوگ اتنے دنوں تک اتنے سمے تک لمبی لمبی تاریخ نہیں لیتے جو سیشن کورٹ میں ہائی کورٹوں میں انہوں نے جو کبھی حاضر نہیں ہوئے کبھی رسپونڈنٹ حاضر نہیں ہوئے کبھی کوئی حاضر نہیں ہوا کبھی کیا ہوا کبھی کیا ہوا کبھی تاریخ لمبی لی گئی کبھی بیچ میں کوئی آ کر وکیل اپنا انٹرونشن ڈال دیتا ہے کیوں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے یہ کیس کو لمبا الجھانا اور لمبا تک لے جانا دور تک لے جانا میرے بھائیوں ان کی منشا یہی تھی آج جتنے بھی میرے بھائی صبر کیے آج ہمیں الحمدللہ جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں اور صبر کیے ہوئے ہیں ان کو آج یہ پہلا پھل ملا ہے ہمیں پہلی ہمیں کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کو ملی ہے اور انشاءاللہ آگے آنے والے سمے میں آپا ہم سب کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ سب کے پیسے ایک دن انشاءاللہ سب کے گھروں میں پہنچنے لگیں گے سب کے اکاؤنٹ میں پہنچنے لگیں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں اور بھی انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں آپ لوگ اپنی نمازوں میں دعا کو یاد رکھ دعا کریں اور سبھی لوگوں کو ایک دوسرے کو دلاسا دیں جتنے بھی اچھے ہیں میرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں جو اچھا کہتے ہیں اچھا بولتے ہیں جو اچھی سی باتیں سمجھاتے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی آڈیو ویڈیو کا استعمال کریں لوگوں کو ایک اچھی باتیں بتانے کی کوشش کریں سبھی ایک دوسرے کو ہمت دلاسا دینے کا کام کریں نہ کہ آپس میں ہم الجھتے جائیں کسی کی باتوں میں آئیں نہ کسی کی باتوں میں آ کر الجھیں میں تو یہی کر کے یہاں ختم کرتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم